पत्रकारों का जेल भरो आंदोलन। 12 तारीख को नागपुर अधिवेशन में होगा छठी बनियान मोर्चा। पालघर में पत्रकारों का जेल भरो आंदोलन से सहमे पुलिसकर्मी। इस आंदोलन में सैकड़ों पत्रकारों ने सड़क पर उतरकर पुलिस प्रशासन और सरकार की लापरवाही का जमकर विरोध किया। पालघर जिला के SP मंजुनाथ सिंगे के दो तरफा रवैये की सभी पत्रकार संघों ने तीव्र निंदा की। गत दिनों पालघर पुलिस द्वारा दो पत्रकार राम परमार और मोहम्मद हुसैन पर झूठा केस दर्ज कर उन्हें गलत तरीके से गिरफ्तार किए जाने के मामले में आज पालघर, थाने, ग्रामीण, मुंबई सहित कई दूसरे शहरों और राज्य के पत्रकार संघों ने मिलकर एक साथ जेल भरो आंदोलन किया। श्रमजीवी संगठना के अध्यक्ष विवेक पंडित ने इस आंदोलन का समर्थन करते हुए कहा कि साल 2017 में नए संशोधन के तहत धारा 353 के हुए उलटफेर की वह कड़ी निंदा करते हैं। धारा 353 के तहत पुलिसकर्मी अब अपनी मनमानी को अंजाम दे रहे हैं, क्योंकि इस धारा के तहत जमानत नहीं मिल पाती। पहले इस धारा के तहत जमानत मिल जाती थी। आगे उन्होंने कहा कि यही कारण है कि दो पत्रकार इनके शिकार हुए हैं। पत्रकार स्वतंत्र भारत के चौथे आधार स्तंभ है, जिनकी आज़ादी को कोई छीन नहीं सकता। आंदोलन में शामिल हुए पत्रकारों ने बताया कि दोनों पत्रकार अखबार की खबर की जानकारी करने के लिए गए थे, लेकिन पालघर पुलिस के अधिकारियों को यह रास नहीं आ रहा था, इसीलिए उन्हें जानबूझकर जेल में ठूसा गया। आज इस आंदोलन का छोटा रूप पालघर पुलिस ने देखा। आगे इस आंदोलन का बड़ा रूप नागपुर के अधिवेशन सत्र में दिखेगा, जब चौथा स्तंभ अपने हक व न्याय के लिए अर्धनग्न अवस्था में अपना विरोध प्रदर्शन करेगा। नागपुर अधिवेशन में 12 तारीख के दिन देशव्यापी आंदोलन में हजारों की संख्या में पत्रकारों के पहुंचने की आशंका है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को इस मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल ड्यूटी पर मौजूद उन पुलिसकर्मियों को निलंबन करने की मांग पत्रकार एवं संघों ने की है। इस मोर्चे में कई पत्रकार संगठनों और कई समाचार चैनलों के पत्रकारों ने भाग लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, पालघर। पत्रकारों ने आंदोलन इसलिए किया कि हमारे जो दो वरिष्ठ पत्रकार हैं उनके ऊपर 353 का मामला झूठा जो है वो लगाया गया। वो जो है वहाँ पे जो है न्यूज़ कवर करने गए थे, उनकी यही गलती थी, और न्यूज़ कवर करते वक्त उनकी जो है पुलिस के साथ कहा सुनी हुई, और पुलिस ने जो है ये पूरा झूठा मामला उनके ऊपर दर्ज किया। हमको SP साहब ने कहा था कि हम इसकी जांच करेंगे और 7 दिन में रिजल्ट देंगे, लेकिन आज 7 दिन के बाद भी कुछ रिजल्ट नहीं था। इसलिए आज हमने जो है ये पूरा पत्रकार संगठन है पालघर ज़िले का वो इकट्ठा आया और जो है जेल भरो आंदोलन किया। हमारी यही मांग थी कि जो इस पर निष्पक्ष ऐसी जाँच हो और जो दोषी अधिकारी है उन पर कार्रवाई हो, लेकिन पुलिस ने जो है वो कहा सुनी की है और उल्टा जो प्रेशर है हम पत्रकारों पर लगाया है। न जाने कई ऐसे मामले हैं आपके जो हम आप पर भी कुछ कार्रवाई कर सकते हैं, ऐसा थोड़ा सा टॉन्ट मार के जो पत्रकारों का संगठन को दबाने का प्रयास कर रहा है। और इसी विरोध में हम जो है अभी नागपुर अधिवेशन में चड्डी बनियान में बैठने वाले, हमारी मांग यही है कि जो SP है उनका तबादला हो। जो पालघर के पुलिस थे जिनके निगरानी में ये मामला पूरा दर्ज हुआ, किरण कबाड़ी, उनका तबादला हो, उनका निलंबन हो। तो जैसे ही वो जो अधिकारी थे
PSI तौफीक सैयद जो थे, जिन्होंने ये पूरा मामले को गलत फहमी से, गलत तरीके से उठाकर हमारे दो पत्रकारों पर गुनाह दर्ज किया है, उनके पर कार्रवाई है, यही हमारी मांग है। अब हम नागपुर अधिवेशन में धरना देंगे चड्डी बनियान के साथ। 353 का जो कानून नया लाया गया है, जो कहीं ना कहीं पत्रकारों और पूरे जो समाज के लिए बहुत बड़ा घातक है, क्या बोलेंगे इसके बारे में, इसमें किस तरह के फेरबदल होने चाहिए? 353 जो मामला है वो सरकारी कर्मचारी अधिकारियों पर जो ये होते हैं हमले होते हैं उसके खिलाफ पहले से लागू हुआ है, लेकिन अभी जो है पिछले साल ही मुख्यमंत्री ने उस पर जो है वो कड़क निर्बंध लगाए हैं, उस पर जामीन नहीं करने का प्रावधान किया है, और जिसके तहत आज वो जो है वो अधिकारी है, जो पुलिस कर्मचारी है, उसका गलत मिसयूज यूज़ कर रहे हैं। इसलिए हमारी ये भी मांग है कि उसके ऊपर फिर से एक बार जो है प्रावधान करे, सोच विचार करे। ये जिस तरह से पालघर के SP ने कहा था कि वो इस पूरे मामले की CCTV चेक करके पूरे घटनाक्रम को देखेंगे और उसके बाद ही निर्णय लेंगे, तो क्या किस तरह की कोई CCTV सामने आई है उस दिन पुलिस स्टेशन में जो वारदात हुई थी? हम जब 22 तारीख को SP साहब से मिले तभी उन्होंने आश्वस्त किया था CCTV है। जब बाद में उन्होंने कहा कि CCTV करप्ट हुआ है, पुलिस किरण कबाड़ी जो, तो उन्होंने कहा है कि CCTV करप्ट हुआ है, वहाँ पे हमको कुछ तो आशंका लगी कि कुछ तो गड़बड़ है, और उसी वार से हमने मांग किया कि CCTV चाहिए, तो CCTV के लिए SP ने कहा हमको हम हार्ड डिस्क जो है वो फॉरेंसिक लैब में देंगे और उसके बाद उसकी पूरा जो हो हार्ड डिस्क करप्ट हुआ है उसकी पूरा रिकवरी करेंगे, लेकिन आज वो भी नहीं हुआ है। तो अब अगला आपका क्या कदम है? अगला यही कदम है कि अब तो चड्डी बनियान में हम दिखेंगे नागपुर अधिवेशन में।